एवरीवन, आज मैं आप लोगों को घर के न्यूज़पेपर से और वेस्ट नोटबुक के पेपर से आपको ये सुंदर फ़ोटो फ्रेम बनाना बताऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता है पहले मैं उसे आपको बता रही हूँ। इस फोटो फ्रेम को बनाने के लिए हमें चाहिए फेविकोल, ब्लैक या ब्राउन कलर, ब्रश, सीजर, न्यूज़पेपर या फिर आप लोगों के रजिस्टर का जो वेस्ट पेपर है जिस पे आप लोगों ने लिख लिया हो, कुछ ऐसे पेपर हमें चाहिए। करीब 18 पेज हमें ऐसे चाहिए, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर लेते हैं तो आप लोगों को न्यूज़पेपर के 4-5 पेपर चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम इस पेपर को बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए हम इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। सभी पेपर के रोल हम ऐसे ही करके बनाएंगे और लास्ट में हम इसे फेविकोल से चिपकाते चले जाएंगे। इस तरह से हमारा एक रोल तैयार हो गया। अगर पेज निकल रहे हैं तो हम इसे सीजर से ऐसे काट के दोनों तरफ से इसे इक्वल कर लेंगे। बाकी पेजेस के भी हम इसी तरह से रोल बना लेंगे। और इस तरह से रोल बनाने के बाद हमारे कई रोल तैयार हो जाएंगे। हम सारे पेजेस को ऊपर नीचे करके इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह एक एक करके हम सारे पेजेस को एक दूसरे से जोड़ते चले जाएंगे। इस तरह से पेजेस को हम एक एक करके इस तरह के शेप में जोड़ लेंगे। हम इसके ऊपर एक ऐसे पेज और एक ऐसे पेज और एक इधर से और एक पेज जो है वो इधर से लगाएंगे। इसको लगाने के बाद हम ब्लैक कलर से इसे
ब्लैक या ब्राउन, आपको जो भी कलर पसंद हो आप इससे इसको कलर कर सकते हैं। इस तरह से हम, मैंने तो ब्लैक कलर लिया है, तो ब्लैक कलर से हम इसे अच्छे से कलर कर देंगे। कलर करने के बाद हमारा ये फोटो फ्रेम तैयार हो गया। अब इसे हम कुछ सुखा लेंगे। सूखने के बाद हमारा फोटो फ्रेम ये ऐसे तैयार हो गया। मैंने इसकी ये इधर थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, इसे हम काट देंगे। इस तरह से हमारा ये फ़ोटो फ्रेम तैयार हो गया। अब इस फोटो फ्रेम में हम फ़ोटो लगाएंगे, चाहे तो हम इसमें अपना फ़ोटो लगा दें, या फिर अगर हम किसी और का फ़ोटो लगाते हैं तो हम उसे यहाँ पर गम लगा करके, फेविकोल लगा के यहाँ पेस्ट कर देंगे। इस तरह हमारा ये सुंदर फोटो फ्रेम तैयार हो गया। अब इसे चाहे तो हम दीवार पर लगा दें, या फिर कहीं हम इसे खड़ा करके ऐसे रख सकते हैं।